Oh, no.
गुजरात के संत शिरोमणि श्री नरसिंह मेहता जी महाराज उनके पिताजी का श्राद्ध था और इसके पूर्व की लोग पहुंचते आपकी पत्नी ने कहा कि घर में घी नहीं है। अब बिना घी पर से ब्राह्मणों को आनंद कहां से आएगा और सगे संबंधियों को आनंद कहां से आएगा। तो पत्नी ने कहा कि जाके घी का प्रबंध करिए, इसके पूर्व की लोग आए घी आ जाए। नरसिंह जी तुरंत निकले, घी खरीदा, घर को लौट रहे थे कि किसी के घर के भीतर कीर्तन की ध्वनि आने कीर्तन चल रहा है, मंजीरे बज रहे हैं, ढोल पे थाप है। जो यह कीर्तन की ध्वनि सुनी तो पैर वहीं रुक गए, पैर तो वहीं टिक गए, आगे कैसे बढ़े। जब सांवरा बुला रहा हो तो उसको छोड़ के जाया कैसे जा सकता है। और वो लोग अभी बड़े मंद बुद्धि के हैं जो ये समझते हैं कि भगवान तो किसी मंदिर के अंदर मूर्ति बन करके खड़ा रहता है। संतों ने तो कहा हमारा भगवान नाम स्वरूप है, हमारा भगवान तो भक्त स्वरूप है। तो जहां जहां भक्त भाव से कीर्तन करते हैं भगवान वहीं प्रकट है, और जहां जहां भगवान नाम गाया जा रहा होता है भगवान वहीं प्रकट। अब आप प्रभु सामने हुए तो भक्त उसको पीठ दिखा के कैसे जा सकता है। तो नरसिंह जी हाथ में घी है, बाप का श्राद्ध है, सब भूल गए और घुस गए मंडली में और अत्यंत भाव से लय के साथ लय मिलाते हुए, ताल के साथ ताल मिलाते हुए जो कीर्तन करते गए करते गए। तो समय तो बीता ही नहीं और भक्तों ने भी देख लिया नरसिंह पधार गए, तो नरसिंह जी को मुखिया कीर्तनकार बना दिया और सब तो उनकी ओर देख रहे हैं कि अब अगला आपका आना चाहिए। एक होता है जो कंठ कंठ से गाता है, ये गले गले से, ये जो कंठ से गाते हैं उनको हम गवैया बोलते हैं। राग रागनियों का जो ज्ञान रखते हैं उनके कंठ में सरस्वती कैसे कैसे सुर भरती है, वो कोकिला कंठी होते हैं जिनके कंठ से सुर झरते। लेकिन भक्त कंठ से नहीं गाता, भक्त हृदय से गाता, इसलिए भक्त को हम हृदय सम्राट बोलते हैं। हृदय में प्रभु आप, हृदय में भक्त का भाव, हृदय में भक्त का प्रेम, हृदय में भक्त की भावना, और इसी भावना में से प्रकट रहे हैं आनंद की हिलोरे लेते हुए। वहां स्वर नहीं, आप सांवरा होता है। देखिए आपको कोई पूरी कचौड़ी का एडवर्टीजमेंट का पेपर दिखाए तो देख लोगे आंखों से, पर कोई पूरी कचौड़ी हलवा थाली में गर्मा गर्म डाल के आपके सामने रख दे तो देखोगे कि छकोगे। पंजाबी में हम छकोगे बोलते हैं, मैंने खाओगे। कोई फोटो दिखाए तो आंख से ही देख सकते ना, उसको चाटोगे थोड़े ना जीभ से, कितना ही मन ललचा जाए पोस्टर को देख के। आजकल पोस्टर बड़े शानदार बनते, समटाइम्स दे आर मोर फैबुलस देन द रियल प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी उसको देख के उसको खाने की इच्छा तो नहीं होगी। परंतु जहां आपके सामने गर्मा गर्म भोजन कोई रख दे और उसकी बढ़िया खुशबू नाक में आ रही हो तो कौन है जो छोड़ के जाएगा। ये जितने शुगर वाले पेशेंट है ना वो भी खा जाते हैं हलवा, क्यों, कह रहे गोली बाद में खा लेंगे, कोई बात नहीं, ये जुबान नहीं रहती।
जुबान नहीं रहती है, यह मुई 2.5 इंच की जीभ जान की आफत है, है? और इस जीभ पर कुछ रख दो सामान, खाखड़ा फाफड़ा ढोकला कुछ रख दो, 10 सेकंड भी नहीं रहते और अंदर उतर जाता है। खाती है जीभ, भोगता है शरीर। कईयों को आपने देखा, उनका पेट इतना मोटा होता, लगता है कोई 50 एक रसगुल्ले अंदर घूम रहे हैं, 20 एक कचौड़ियां घूम रही हैं, 10 एक समोसे भी मिल गए हैं अंदर। खूब सम्मेलन हो रहा होता, मिठाई सम्मेलन। जो कीर्तन किसी के लिए शायद उसका व्यवसाय हो सकता है, क्योंकि कीर्तन करना एक अच्छा व्यवसाय भी है, कई लोगों का होता है। दे सिंग टू अर्न मनी, दे चार्ज यू, यू पे देयर हैवी फीस एंड देन यू लिसन। अभी पिछले हमारे क्या है, आश्रम में वर्ष में 2 बार अप्रैल में हम लोग कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं। पिछले दिनों एक ये विचार उठा कि इस बार किसको बुलाया जाए, नृत्य के लिए किसी को बुलाते हैं, गाने के लिए किसी को बुला भी, इस साल किसको बुलाएं। तो एक ने नाम सुझाया, बड़े प्रचलित हैं वो, वेरी पॉपुलर। तो मैंने कहा हाँ हाँ बुला लीजिए। जब वो उनको फ़ोन किया गया तो उन्होंने अपनी फीस बोली कि हम 30 लाख रुपये लेते, 30 लाख रुपीस टू डू अ शो। मैंने कहा फ़ोन काटो अभी के अभी। ये अपने आप को सूफी सिंगर बोलता है। सूफी किसको कहते? सूफी सिंगर, काले कपड़े बाल खुले छोड़ के ये सिर मारने से कोई सूफी सिंगर हो जाता है? गले में 2-4 माला पहन ले तो वो उसे हिला हिला करके करे तो पागल लगते कभी कभी, सूफी कैसे लग सकता है? जो फना हुआ तेरी मोहब्बत में, न रहा नामो निशान बाकी जिसका, जिस जहन में खुद खुदा रमता हो, उस जहन को सूफी कहते हैं। जिस दिल में मैं खत्म हो चुकी हो, जहन मैंने मन अंतःकरण, जिस जहन में मैं मेरी द्वैत भाव खत्म हो गया, जिसके हृदय में आप प्रभु नाचता हो, जिसका अहंकार विलीन हो चुका हो, उसे सूफी कहते। सूफी टाइटल कोई थोड़े ना कि आप, मैंने कोई भी अपने नाम के साथ ले ले। मैं भाई तुम लोग कह रहे थे तो मैंने हामी भर दी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। इनको मैं किराए के गवैया बोलती हूँ। कई बड़े प्रसिद्ध हो जाते, जब प्रसिद्ध हो जाए तो महंगे हो जाते हैं। देखिए जिसने मेहनत करी है, सुर साधे हैं, सालों किसी गुरु के पास बैठ के संगीत सीखा है, विद्या सीखी है, तो उस विद्या का कोई सम्मान करे तो अच्छी बात है। पर चूंकि लोग सम्मान नहीं करते इसलिए कभी कभी गायक जो हैं उनको एक फीस तय कर देनी पड़ती है। आजकल सिस्टम ऐसा ही है, बोले फीस दे दीजिए, वो खुशी और बधाई वाली बात तो रह नहीं गई है, तो वो अपनी जगह में ठीक है। भक्त गवैया नहीं होता। अच्छा अभी बोलो, संत कबीर साहब किस महाविद्यालय से संगीत का डिप्लोमा किए थे? और मीराबाई जो घुंघरू बांध के नाचती थी, उसने किस नाट्य शास्त्र में डिग्री प्राप्त करी थी? चैतन्य महाप्रभु बंगाल के शिरोमणि संत, आपने किससे इकतारा बजाना सीखा और किससे करताल बजानी सीखी? किसी से भी नहीं। जो हृदय में प्रेम का भाव होवे, ऐसे ऐसे सुनो भाई, जो दिल में प्यार की कोई तार जुड़ी हो किसी के साथ, और यार जब खींचे तार तो दिल तो पुकारेगा ना। और दिल में कोई तार नहीं बंधी किसी से तो खींचेगा कौन? तो उसके अंदर से पुकार कहां से उठेगी? तो उसके गाने में वो तड़प कहां से आएगी? आई नहीं सकती।
It's not possible. नरसिंह जी का जब गाना शुरू हुआ, जब नरसिंह जी ने कीर्तन प्रारंभ किया, तो जैसे समझिए प्रचंड गंगा जी का वेग आ गया और उस वेग में तो सब समा गए, सब गोते खा रहे, आनंद की हिलोरे ले ले, सब नाच रहे नाच रहे नाच रहे। और उधर पत्नी इंतजार कर रही है पतिदेव का, घी लाएंगे, आने वाले हैं मेहमान भी, ब्राह्मण भी, श्राद्ध होना है, और वो राह तक रही हैं। कथा तो ऐसी कहती है कि जहाँ तो नरसिंह जी कीर्तन में खोए हुए हैं, मस्त है, पर वहाँ पता नहीं कौन नरसिंह बन के हाथ में घी लेके घर भी पहुँच गया। कौन था वो? सब भोज हुआ, सबने अच्छी प्रकार से पूरा कार्यक्रम निपटाया, सब चले गए, पत्नी बड़ी खुश हैं, सब ठीक हो गया, परिवार से पति से बातचीत करके वो भी सोने के लिए तैयार हो रही हैं। इतने में घर के आंगन का दरवाज़ा खुलता है और नरसिंह जी सर झुकाए झुकाए बड़े शर्मसार से भीतर आ रहे हैं, क्योंकि जब कीर्तन खत्म हुआ तो याद आई, तो घी, तो घर में श्राद्ध है, ये सब स्मृतियां आ गईं, तो बड़े शर्मसार, क्योंकि इतनी देर रात पहुंचे, ये क्या होकर गया मैंने आज, ये क्या हो गया मुझसे। वो तो दुख में है, पश्चाताप में है, तो बड़े सकुचाए सकुचाए आंगन में प्रवेश करते हैं और पत्नी ने जोर से आवाज दे के कहा, अरे स्वामी कहाँ बाहर थक गए हो, आओ विश्राम करो, मैं पाँव में तेल लगा दूँ, कितनी आज आपने सब लोगों की सेवा की है, दौड़ दौड़ के काम किए हैं, कितना काम की है। अब नरसिंह जी तो समझ नहीं लगी हो क्या रहा है, मैं तो कुछ किया ही नहीं, बोले भी कुछ नहीं, चुपचाप चारपाई पे पड़ गए, पत्नी तेल लगा रही और दिन भर जो हुई वो पूरी कमेंट्री वो सुना रही है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ, सबने बड़ा आशीष दिया, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, काका ताऊ चाचा मामा सब कितने प्रसन्न गए, ब्राह्मण सब कितने प्रसन्न गए, और नरसिंह जी के तो आँखों से आंसू झर झर बहे। पत्नी हैरान हुई, बोले आप काहे आंसू बहा रहे हो? तो बोले बगैर रह न सके, बोले देवी आज जो मेरी जगह था वो मालूम है कौन था? जिस श्यामल की भक्ति में मैं लीन था, वो श्यामल मेरी ड्यूटी पूरी करने के लिए मेरा रूप बना करके घर में आ गया। तू कितनी भाग्यवान है कि तूने उसका दर्शन किया, वो मैं नहीं था, वो तेरा पति नरसिंह नहीं था, वो तो आप प्रभु था। अब पत्नी भी बड़ी भावुक हो गई, अब तो जार जार दोनों पति पत्नी रोवे, पतिदेव इसलिए कि पत्नी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और बार बार गुणगान गा रहे हैं प्रभु का, वाह 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 वाह, ऐसा तो कोई भक्ति ना कमाई, ऐसा तो कोई कर्म नहीं कमाया दाता मैंने, ये मुझे से दीनहीन के वास्ते प्रभु आप मेरे जैसे जीव का रूप बना के पधारे हो। इसे कहते हैं कीर्तन में खोना, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमयन्तश्च माम भक्त नित्य युक्ता उपासते। ऐसी उपासना होनी चाहिए जहां उपासक उपास्य और उपासना तीनों एक हो जाएं, वेयर द डिवोशन डिवोटी एंड द गॉड बिकम्स वन। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम कुछ और बने रहो और हम कुछ और बने रहें और बीच में थोड़ी किराए की भक्ति हो रही हो। किराए की भक्ति समझते हो, 6 बज गए आरती करो, टन टना टन टन, सब घंटे घड़ियाल बज गए, आरती हुई पूरी, सब बंद,
इसको मैं किराए की आरती बोलती हूं। रूटीन है, पूरी कर दी। कोई दुर्गा माता की गाय को, हनुमान जी की गाय को, राम जी की गाय। देखिए, नियम पूरा करना भी अच्छी बात होती है, पर इसमें प्रेम कहां, इसमें भक्ति कहां है प्यारे। भक्ति की पराकाष्ठा यह है जहां भक्त, भक्ति और भगवान ये तीन तीन न रह के एक हो जाते हैं, दे बिकम वन। एंड इन दिस यूनिटी दी ब्लिस फ्लोस, आनंद की बौछारें होती हैं उसमें, आनंद की बौछारें। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि संध्या को दीपक जला दिया या सुबह हुई तो दीपक जलाया, अगरबत्ती जलाई और यूं यूं जरा सी घुमाई थाली, इतनी सी रखते छोटी सी थाली, भाई थोड़ी बड़ी रख लो, ढंग की रख लो। अपनी साड़ी तो सिलमे सितारे की रखते हो, भगवान की थाली इतनी सी। जल्दी 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 उतने प्रेम से भाई तुम जो खाना खाते हो, मैं देखती हूँ लोगों को अंगुलियां चाटते हैं कभी आपस में ना। आज रात को खाने बैठे हो, कोई एक चार चीज बढ़िया ले जाना बाजार से, देखो जिनकी पत्नियां नहीं आई वो खुश हो जाएंगे, जिनके पति नहीं आए वो भी खुश हो जाएंगे। बोले ये लॉलीपॉप होता है ना बच्चे को देते, खुश रहता है, तो थोड़ा मिठाई मनपसंद ले जाना और सबको परोसना रात्रि के भोजन में, और सबको खाते हुए देखना कि बढ़िया चीज होवे ना, तो लोग अंगुली भी चाट जाते हैं। जितने प्रेम से आप भोजन करते हैं, कभी उतने ही प्रेम से मंत्र भी किया करो, स्वाद ले लेके, रस ले लेके। रसहीन भक्ति नहीं होती, जिसके हृदय में रस बहता है भक्त वही होता है। एक ने कहा भक्त की पहचान क्या है, बोले जिसके हृदय में भाव, नैनों में अश्रु, रोम कूप झंकृत हो रहे हो वह भक्त होता है। Every pore of the body is dancing. Mind is in total calmness. Eyes have tears of love. प्रेम के अश्रु आंख में होंगे। मन में हिलोरे प्रभु के प्रीति की, नाम की, मंत्र की हो, भले गुरु जी की याद की हो, कुछ होवे, पर मन में संसार ना होवे। संसार देखिए जरूरी है, बेटा बेटी, छोरा छोरी, डिकरा डिकरी, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, लेकिन इनको मन में नहीं बसाने का। देखो जूता कितना अच्छा हो, बिस्तर में तो नहीं लेके जाते, बोलो ले जाते हो क्या? कोई बोले मेरा सैंडल तो 50,000 का है। कुछ एक इंटरनेशनल फुट डिजाइनर्स ऐसे हैं जिनका जूता 1.5 लाख का भी है, 2 लाख का भी है, 3 लाख का भी है। ये डिजाइनर महाशय ऐसे अद्भुत हैं, उनका बना जूता 2 लाख से शुरू होता है और 5 लाख तक जाता है। पर महाराज आप 5 लाख का जूता पहन लोगे तो भी बिस्तर में थोड़ी ले जाओगे, बिस्तर में तो अलाउड नहीं है, खुद ही उतार कर रख दोगे। ऐसे ही घर परिवार संसार कितना ही प्यारा क्यों ना हो, उसको मन के अंदर नहीं लेके जाने का, मन में नहीं लेके जाने का, उसे बाहर ही रखिए। उसे भीतर मत लेके जाइए, क्योंकि जब आप उसको भीतर ले जाते हैं तो वही दुख देता है, वही कष्ट देता है, वही पीड़ा देता है, और आपकी पीड़ा का कारण बाहरी संसार नहीं है। देखो आज की तारीख में नवसारी का होवे या गुजरात का होवे या पूरे भारत का होवे, तो हर शमशान घाट में कोई एक लाश जरूर जल रही होगी, सही? पता कर लेना, कोई कब्रिस्तान होएगा तो वहां कोई दफनाया जा रहा है, कहीं कोई जलाया जा रहा है, को
कोई शहर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हर शाम को कोई एक सिद्धार्थ नहीं। लेकिन आप तो रोते नहीं हो, आप तो पिकनिक मना रहे हो, खा पी रहे हो, सज समझ रहे हो, पार्टी करते हो, शादी जाते हो, समारोह में जाते हो, शॉपिंग करते हो। क्यों? वो मरने वाले तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं, इसलिए। जिनसे आपका कोई संबंध नहीं होता है उनके मरने पर आपको कोई शोक नहीं होता है, होता है क्या? अभी भूचाल आते हैं, बाढ़ आती है, लोग मर जाते हैं। चीन में आया भूचाल, पीछे अपने केदारनाथ में नुकसान हुआ बादल फटने से, उसके पहले लेह में हुआ, वहीं भी बादल फटा था। कुछ ना कुछ तो देखो होता रहता, अखबार उठा करके देख लीजिए, कहीं एक्सीडेंट में मर गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो, कहीं प्राकृतिक आपदा से नेचुरल कोई डिजास्टर हो गया, या somebody is dying their natural death, ये सिकनेस है, बीमारी से कोई मर गया। लेकिन उनके मरने पर हम तो रोते नहीं हैं, वह हमारे लिए सिर्फ एक खबर होती, खबर पढ़ी, चलो आगे पन्ना पलटाया, और किसी ने पूछा भाई कुछ क्या पढ़ा, बोले कुछ खास नहीं है खबर, ऐसे ही है बस। अरे किसी के घर का कोई बंदा मर गया, पढ़ के देख लो अखबार में, सब अखबार रीजनल हो नेशनल हो।